हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि जो रशिया का अभी फाइनली जिन भाइयों को वेट था, जो लोग वेट वगैरह कर रहे थे, जो अपना वर्क वीज़ा है ओपन वर्क वीज़ा, तो वो अपना आ चुका है फाइनली। तो काफ़ी खुशी की बात है यार मेरे लिए भी, और जो भाई ओपन वर्क वीज़ा में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी। तो काफ़ी मस्त वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाली इसमें रशिया के अंदर जो है वो। अगर आपको ओपन वर्क वीज़ा में आना है तो बाकी क्लोज वाले देखो वो चल रहे थे, लेकिन अभी जो है वो ओपन वर्क वीज़ा है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसा क्या वीज़ा है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। पहले लेकिन आप वेदर वगैरह चेकआउट करो, आज जो है धूप वगैरह काफ़ी जो है वो मस्त निकली हुई है। तो अभी वेदर वगैरह चेकआउट करो, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपन और आगे डिटेल में पूरा कम्प्लीटली बात करते हैं। अभी जो है वेदर वगैरह देखो काफ़ी मस्त हो रहा है, क्योंकि अभी गर्मी वगैरह आने वाली है। तो धीरे धीरे जैसे सर्दी वगैरह में जो है अभी टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम होता है। तो धूप वगैरह जो है वो निकली हुई देख सकते हो सामने, और यहाँ पे अपार्टमेंट कुछ ऐसे हैं। ये जो है नई बिल्डिंग वगैरह है जो बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है, शायद एक साल भी नहीं हुआ है इनको, तो एक साल के जो है वो है यहाँ पे। तो ये बात है, काफ़ी मस्त है यार। और ये देख सकते हो सामने बिल्डिंग है, साइड बिल्डिंग है, गाड़ी पुरानी टेक के भी है और नई वाली भी है। जो है वो बात करते हैं अपन कि देखो रशिया का ओपन वर्क वीज़ा जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और इसमें क्या है जो वर्क वीज़ा है ओपन वाला, तो इसका कुछ एडवांटेज हैं। चलो पहले बात करते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसमें ओपन वर्क वीज़ा के अंदर। देखो ओपन वर्क वीज़ा का मतलब होता है आप पूरे रशिया के अंदर जो है वो कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, कितनी ही देर काम कर सकते हो, इसमें टाइम के बाउंडेशन नहीं होती। क्योंकि वो ओपन वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा का मतलब आपको काम ही करना है, तो इसमें ना कोई यूनिवर्सिटी की क्लास होती ना कुछ होता है, सीधा ओपन वर्क वीज़ा ले हो और आप रशिया के अंदर जितना चाहो उतनी देर काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। जो है बात करते देखो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है कि आप रशिया में जो है काम कर सकते हो, जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए काम कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको इतनी देर ही काम करना पड़ेगा। तो ये बात है अपने ओपन वर्क वीज़ा की। तो चलो अभी आगे चलता हूँ मैं, और धीरे धीरे अपन बात करते हैं कि कैसे क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले जो बात है वीज़ा की, तो जो अभी ड्यूरेशन है ना इसका, जो वो आ रहा है 3 साल के लिए। तो 3 साल तक जो है आप इसमें, 3 साल का आपको ये वीज़ा मिलेगा, मतलब 3 साल तक आप अनलिमिटेड टाइम कितनी आपका जब मन करे जब काम वगैरह कर सकते हो। इसमें जो बाउंडेशन वगैरह है वो इतनी नहीं रहती यहाँ पे, जो ओपन वर्क वीज़ा है जो है वो आपका। तो ये वाली बात है इसमें ओपन वर्क वीज़ा में। और दूसरी बात, ये 3 साल का भी जो है वो मिल रहा है, तो काफ़ी मस्त है यार। मान लो जिसको यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं जाना, मतलब जैसे पढ़ाई वगैरह नहीं करनी, जो वर्क वीज़ा पे स्पेशली आना चाहते हैं तो वर्क वीज़ा में आ सकते हैं आप। इस वीज़ा पे आप फूड डिलीवरी के अंदर भी, सुपर स्टोर के अंदर भी, सुपर मार्केट के अंदर भी सॉरी, और वेयर हाउस के अंदर भी, जहाँ पे भी आपको फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे भी आपको काम करना चाहते हो उसमें काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओपन वर्क वीज़ा है, काफ़ी अच्छा वीज़ा लगाया मेरे को, स्टडी वीज़ा से इसमें जो है वो सही है। और देखो वीज़ा सारे सही है, क्लोज वाला भी है, स्टडी वीज़ा भी है, ओपन वर्क वीज़ा भी है। अब बंदे की माइंडसेट होता है कि आपको क्या माइंडसेट लेके आ रहे हो। अगर सिंपल काम करना है तो ये वर्क ओपन वर्क वीज़ा काफ़ी बेस्ट है। इसके अंदर आपको वो बात है ना, डिपेंडेंट वगैरह किसी पे नहीं रहना पड़ता, और जो है वो धीरे धीरे फिर आप अभी देखो यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो लोकल लोग वगैरह मिल रहे हैं मेरे को। तो देखो बात यह है, अपना जो वीज़ा वगैरह है ना, इसमें आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि भैया हाँ इतनी देर, जो रेस्टिगेट होता है ना एक जैसे टाइम की बाउंडेशन होती है वो नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे वो भी आएगा चल के, तो काफ़ी मस्त है देखो मेरे को ये लगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन आगे कि जो वीज़ा वगैरह है, प्रोसेसिंग टाइम वगैरह, प्रोसेसिंग टाइम वगैरह जो है इसका 3 महीने का अप्रोक्स रहता है। क्योंकि देखो इसमें टाइम लगता है, लेकिन वीज़ा जो है पूरी की पूरी कोशिश करेंगे अपन की लग जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है, प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 3 मंथ्स का जो है वो रहने वाला है। तो काफ़ी मस्त बात है यार, ओपन वर्क वीज़ा काफ़ी जो है बंदे वेट कर रहे थे, और काफ़ी लंबे टाइम से हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि ओपन वर्क वीज़ा आए और जिनको जैसे जो भी हर ना हो जाए। तो मैं तो देखो रिकमेंड करता हूँ, जिनको स्टडी वीज़ा में हेल्प चाहिए नंबर आ रहे हैं, वो क्लोज वर्क वीज़ा चाहिए तो वो भी है, ओपन वर्क वीज़ा आएगा और धीरे धीरे यूरोप के अंदर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो आ जाएगी चैनल के ऊपर, बने रहना चैनल के ऊपर देखना वीडियो, जैसे मेरे पास और कोई अपडेट वगैरह आती है
फिर जो है मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसा है क्या रहा अपना जो भी है। तो ये था अपना जैसे ओपन वर्क वीज़ा में जो है मैंने बात बताई। बाकी अभी आप सभी के डाउट वगैरह आ रहे हों तो देखो मेरे पास मैसेज कर देना, और आप जो है मुझे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैं मेरे अकाउंट की आईडी दे दूँगा, तो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। जो भी जैसे लाइव अपडेट वगैरह रहती है तो मैं वो डालता रहता हूँ उसके ऊपर। तो ये बात है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ओपन वर्क वीज़ा का मैंने बता दिया, अभी थोड़े दिन में वीडियो वगैरह डालूँगा कि ओपन वर्क वीज़ा क्लोज वर्क वीज़ा में डिफरेंस क्या है। तो आप मतलब ये अपना जो आधार कार्ड होता है ना इंडिया का, तो वो सेम आधार कार्ड आप यानी 3 साल का रशिया का ही आधार कार्ड मान के चलो कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक 3 साल रह सकते हो, जितना मर्जी काम करना चाहो उतनी देर काम कर सकते हो। तो यह है कि इधर भी आपको काम मिल रहा है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ पर भी आपको पसंद वगैरह आए तो वो कर सकते हो काम वगैरह। तो यह था यार, मैं सोचा चलो आपको अपडेट वगैरह दे दूँ। बाकी जो वीडियो वगैरह है वो हर दिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वीडियो वगैरह जो है लेके आऊँ आप सभी के लिए। तो ये बात है, बाकी आज मैं ट्राईपोड से जो है व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, तो जो लोग वगैरह है ना वो ऐसे देख रहे हैं कि क्या हुआ ये, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।